नई गेंद के बेहतरीन फास्ट बॉलर जिनकी इन स्विंग और आउट स्विंग से बैट्समैन रहते हैं परेशान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर दी हार्ट थ्रो नसीम शाह है हमारे मेहमान आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. नसीम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आप 6 माह बाद इंजरी के वापस आए हैं, हाउ आर यू फीलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी बेहतर. ज़रा जाते हैं वापस 6 माह की जो आपकी आपको इंजरी हुई थी, ज़रा वो डिस्कस करते हैं. जब द मोमेंट यू डाइव एंड जब आप गिरे थे, क्या आपको उस वक्त रियलाइज़ हो गया था कि कुछ डैमेज हो गया है? यार ऑनेस्टली लफ्ज़ों में तो बड़ा आसान होता है कि 6 महीनों की यू नो जर्नी सुनाना, बट मैं यही कहूँगा कि वो एक एक चीज़ अब याद करता हूँ तो यू नो बंदा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर हो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि यार वो अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेले, और वो स्टेज ऐसे था कि यू नो बिल्कुल वर्ल्ड कप के करीब. और मैं एक अच्छे रिदम में भी था, काफ़ी यू नो 2 साल से मैंने काफ़ी मेहनत की थी कि यू नो अब वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, अच्छे रिदम में हूँ. और ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मेरा सिटी स्कैन हुआ, तो जब डॉक्टर मेरी तरफ आ रहा था तो मुझे फ़ील हुआ कि यार ये मेरा ना इम्तिहान आने वाला है, बड़ा कोई तीसरा इम्तिहान आने वाला है मेरा. और जैसे डॉक्टर आया तो मुझे वैसे ही शक था पहले से क्या हुआ है. जैसे आप गिरे थे तब भी आइडिया हो गया था कि कुछ मुझे ज़्यादा हो गया? आइडिया तो हो गया था, लेकिन एक बंदे को पता होता है कि मैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकता था, तो मुझे लगा कि यार अब तो जो है ना मैं गया और ये एक इम्तिहान आने वाला है, तो यही था. बाकी फिर जर्नी ये थी कि तो जब सीटी स्कैन हुआ एंड देन डॉक्टर्स टोल्ड यू कि वो आप फिलहाल क्रिकेट नहीं खेल सकते? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए तो बहुत आसान होता है कि अभी आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, लेकिन वो जो अभी जो लास्ट 5-6 मंथ्स थे वो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल थे, क्योंकि सेम टाइम पे जब मैं रिहैब के लिए जा रहा था तो इत्तेफाक से मेरी और पाकिस्तान टीम की फ़्लाइट दोनों एक टाइम पे थी. oh और okay. फ़र्क सिर्फ इतना था कि जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ जा नहीं रहा था, वो पाकिस्तान टीम मेरे सामने है और मैं And you were also there, वो exactly, मैं वहाँ से इंग्लैंड रिहैब के लिए जा रहा अच्छा. था और मेरे आंखों में बड़ी आंसू आई और मैं यू नो देख रहा था कि यार वो लोग मुझे देख रहे हैं कि पता नहीं इधर क्या कर रहे हैं, और मैं उनको देख रहा हूँ कि यार मुझे तो वहाँ होना चाहिए, मुझे यू नो जाना चाहिए. एक 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 प्लेयर जिसकी ये ख्वाहिश होती है ओबीसी वो आराम से आप नहीं भूल सकते, तो बड़ा मुश्किल होता है. हर प्लेयर की तो खुद को बड़ा मोटिवेट किया था, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ इस तरह के बहुत यू नो मेरे पे इम्तिहान आ चुके, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया था. अपने आप को बड़ा मोटिवेट किया. यू नो लफ्ज़ों में बड़ा आसान है कि यार आप जहाज़ में बैठ के दूसरी टीम इंडिया जा रही वर्ल्ड कप खेलने और आप रिहैब के लिए जा रहे हो और आपको पता भी है कि अब पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, आप बहुत नर्वस होते हो, तो ख़ुद को मोटिवेट किया. फिर जाके वहाँ पे रिहैब, और ज़ाहिर है क्योंकि सारे जो डॉक्टर्स थे जो मेन डॉक्टर्स थे वो पाकिस्तान टीम के साथ बिज़ी थे, तो मेरा रिहैब जो था वो इंग्लैंड ही होना था, और मैं अकेले जा रहा था, फैमिली सब अभी से वो तो पाकिस्तान में रहते हैं. और सर्जरी फर्स्ट टाइम बड़ा यू नो नर्वस था कि यार पता नहीं सर्जरी कैसी होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी. और फिर जब वहाँ पर मेरी सर्जरी हुई तो यू नो मुझे उस लम्हों का तो कुछ मुझे पता नहीं था, जब हुई तो काफ़ी टफ टाइम था, क्योंकि आपको आई थिंक आफ्टर सर्जरी आपकी एक वीडियो भी आई थी जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए थे. ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप ऑब्वियसली बात है इमोशनल हो जाते, आपको इतना आइडिया नहीं होता, घर वाले आपके साथ नहीं होते. सर्जरी इज़ नॉट अ यू नो स्मॉल थिंग, सर्जरी मेरे लिए तो बड़ी बात थी, फर्स्ट टाइम था, बहुत नर्वस भी था. तो सर्जरी हुई, फिर रिहैब स्टार्ट हुई वहाँ पे, और यू नो तकरीबन सर्जरी के कोई 2-3 वीक्स जो है ना वो स्लिंक मैंने पहना था, और वो स्लिंक में बंदा ऐसे होता है कि आपको लाइफ बड़ी यू नो टफ हो जाती है कि यार अब ये क्या है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, और आप उसके बावजूद बिल्कुल ऐसे हो जाते हो. तो मैं क्या करता था कि एक दोस्त मेरा आता था वहाँ पे, वो मेरा बहुत हेल्प करता था वहाँ पे, लेकिन स्टिल मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि एक हाथ आपका बांधा हुआ है और कोई आपका यू नो हेल्प कर रहा हो, जैसे टी शर्ट उतारते हो या कोई टूथब्रश करते हो या बहुत सारे ऐसे काम है जो
मैं क्या करता था कि मैं बजाय, मुझे बड़ा था कि यार मैं हेल्प लूँ, और मैं ये करता हूँ कि यार मैं YouTube में वीडियो देखता हूँ कि यार एक हाथ से कैसे हेल्प करता है। पहले तो एग्जैक्टली पहले जो दो वीक्स थे वो बहुत मुश्किल थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मेरे साथ कोई यू नो फैमिली मेम्बर वगैरह नहीं था वहाँ पे, और मेरा था भी इतना आइडिया नहीं था मुझे कि यार वहाँ पे इतनी मुश्किल होगी। तो फिर मैंने यू नो उसी तरह वो यूट्यूब में वीडियो देख के कि यार एक हाथ से कैसे हेल्प होता है, कैसे टी शर्ट चेंज करते हैं या किस तरह टूथब्रश करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे सर्च करके, और बस वो वही टाइम था जिस पे मेरे दिमाग में एक चीज़ आती थी कि ये भी तो अल्लाह देख रहा है, ये मुश्किल टाइम है, मेरे पास ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं यू नो वो सारी चीज़ें ठीक कर लूँ, मेरा हाथ एकदम से ठीक हो जाए। लेकिन ये भी अल्लाह ताला देखता है कि यार ये टाइम है, अब इसमें ये क्या सोचता है, किस तरह सब्र, कितना बिलीव है इसके ऊपर। तो मैं वही चीज़ें करके कि मैं YouTube में सर्च करके कि यार मैं एक इंसान के पास अगर कोई भी इंसान हो, माजूर हो, जिसका एक हाथ ना हो, तो वो भी तो लाइफ गुजार रहे हैं। तो मैं उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि यार जिस बंदे का हाथ ना हो तो वो कितना मुश्किल होता होगा। तो ये भी अल्लाह ताला आपको सिखाता है कि यार अगर इस तरह का टाइम आपके लाइफ में आता है तो आपको किस तरह हैंडल करना है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सब्र दिया, और वो सारी चीज़ें मैं इस तरह करता था। इवन रात को सम टाइम मैं यू नो कोई मैच देख के एकदम से उठता था, सोचता था क्या पता अल्लाह ताला ने एकदम मेरा हाथ कोई मुआवजा किया हो, कोई ठीक किया, दोबारा से कोई बॉल ट्राई करता तो एकदम पेन हो जाती थी, फिर मैंने कहा सो जाओ। एवरी डे सेम रूटीन सेम रिहैब। आप मेंटली वो मोटिवेशन रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, वो किस तरह करते थे? यार देखिए बहुत सारे लोग यू नो मोटिवेशन मतलब जो लोग मोटिवेट करते हैं उससे बिलीव करते हैं होता भी है, बंदा थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपने अगर अपने आप को मोटिवेट करना सिर्फ आप ही कर सकते हो कि यार अगर आपने गिव अप कर दिया कि हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ तो नहीं कर सकते। अगर आपने कह दिया कि यार ठीक है 6 महीने अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा टाइम भी तो दिखाया, 2-3 साल परफॉर्म कर रहा था हर खुशी, अब अगर अल्लाह ताला ये टाइम लेके आया तो क्या इस टाइम पे आप गिव अप करोगे? तो मेरी ये बिलीव होती थी कि यार ये टफ टाइम है, और इसी टाइम पे ख़ुद को ये मोटिवेट करता था कि यार रोज़ाना जाओ सेम रूटीन। कभी कभी ऐसा लगता था यार पता नहीं यार ये क्या है यार, मतलब बिल्कुल थक जाऊंगा भी नहीं पीऊँगा, और ऐसा था कि कभी कभी ट्राई करता था शीशे के सामने कि यार हाथ घुमाओ, रात को एकदम से उठ के हाथ घुमाओ यार क्या पता अल्लाह ताला ने ठीक किया हो। अच्छा आपने अभी एक चीज़ कही कि अल्लाह ताला ने तीसरी आजमाइश मेरे पे डाली कि चलो एक तीसरा टेस्ट आ गया है, तो पहली दो क्या आजमाइश है? यार देखे अब अगर जर्नी से स्टार्ट करो तो यही था कि जब मैंने यू नो क्रिकेट स्टार्ट की तो घर में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे कहता था कि यार आप क्रिकेट खेलो आपके लिए इजाज़त है। अब वो मुझे बहुत यू नो सख्ती से मना करते थे, अम्मी थी जिसकी वजह से मैं क्रिकेट खेल सका, वो मुझे पैसे देती थी, वो जाके मैं क्रिकेट खेलता था। तो फिर जब मैं हार्ड बॉल वाले क्रिकेट में गया तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि यार जितनी मेरी अम्मी ने मेरा हेल्प किया उस स्टेज पे जहाँ पे मुझे 20 रुपये की ज़रूरत थी मेरी अम्मी ने मुझे दी है कि यार मैं किसी तरह ना प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूँगा तो मैंने रिटर्न में ना कुछ अम्मी को देना या कुछ ना कुछ करना है। अभी सी बात है जब आप अपने पैसे कमाते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है कि आपने अम्मी को देने हैं। तो वो एक स्टेज आया कि बड़ी मैंने मेहनत की और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ अंडर सॉरी मैं PSL में सेलेक्ट हूँ फर्स्ट टाइम, एक डोमेस्टिक सारे लाइव मैचेस थे मेरा, तो मैं एक्साइटेड से पागल हो रहा था कि यार मैं अब TV पे आऊँगा। मतलब एक ख्वाहिश होती ना बंदे कि क्या TV पे आना, और आज मतलब अभी मुझे मेरी अम्मी TV पे देखेगी और मेरे पास ये चीज़ें आएंगे वो आएंगे और मैं अम्मी को ना रिटर्न में दूंगा। इसी तरह अब PSL से कुछ दिन पहले मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे एकदम से कमर में पेन निकल आई, और पेन जब निकल आई तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुदस्सर नज़र साहब वो NCA में होते थे, उस टाइम उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के बोला कि आपके साथ 2-4 मिनट बात करनी है। उस टाइम मेरा CT स्कैन हुआ था, ये मैं पहले इम्तहान जिसकी बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि यार आप अभी ना तकरीबन कोई 8 महीने नहीं खेल सकते हो क्योंकि आपकी सिटी स्कैन में 4 फ्रैक्चर आए हैं आपके बैक, आपकी बैक में 4 फ्रैक्चर। और मैं बोल रहा था कि ये फ्रैक्चर होते क्या होते थे, ये आपकी जो हड्डी ना उस टाइम में था चोट तो पता नहीं था इतना आइडिया ना कि आपकी हड्डी में ना फ्रैक्चर हुआ ये वो, और बस उसी टाइम तो कोई चोट लगी थी नहीं, बॉलिंग करते भी हुई थी, पहले मुझे पेन होती थी, मुझे था कि नॉर्मल कुछ होगा, फिर जब सिटी स्कैन करा उसमें 4 फ्रैक्चर निकल आए, तो बस एकदम से ज़मीनों से वो मुझे बातें कर रहे पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि बोल क्या रहे, सब कुछ हो क्या रहा है, बस रो रो के ग्राउंड के 2 चक्कर उसके साथ लगाए पर मुझे बातों का नहीं पता चला कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर जिस डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर से कभी आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि
जिस डॉक्टर के पास जाओ कहते हैं यार चार फ्रैक्चर, दो तो आपके ठीक ही नहीं हो सकते, तो आपकी क्रिकेट बहुत मुश्किल हो जाएगी, और कोई और चीज़ अगर आप कर सकते हो तो सोच लो। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्रिकेट के अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं आता यार, मैं करूँगा तो क्या करूँगा, अगर मैंने क्रिकेट छोड़ दिया तो इसका मतलब मैं तो बस और कुछ चीज़ है ही नहीं यार। बड़ा वो टफ टाइम था, वो 8 महीने ऐसे थे कि ना तो उस टाइम पे अल्लाह ताला इतनी समझ दी थी कि यार नहीं अब गिव अप नहीं करना, ये करना वो करना, कोई ना कोई चाहिए था कि यार किसी 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 को भी जो भी कोई पॉजिटिव बात करता था उसको ले लेते था, और ख़ुद को मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करता था। एक अम्मी थी उस टाइम पर भी जिनको क्रिकेट की कोई परवाह नहीं, जिनको सिर्फ ये था मेरे बच्चे का ना दर्द ठीक हो जाए, और वही कभी दुआएं पढ़े, कभी मेरे लिए कागज़ पे दुआएं लिख के दें कि यार ये पढ़ा करो इससे ठीक हो जाएंगे। बीच में ऐसे टाइम आता था मैं सोचता था यार छोड़ दो यार गिव अप कर दो, क्या ये फ्रैक्चर तो ठीक होने ही नहीं है। फिर जब मैं वो मेहनत करके सारा कुछ करके फिर अल्लाह ताला ने जब दोबारा मुझे उन चीज़ों में सेलेक्ट किया जो मैंने 8 महीने पहले मिस किए थे, इसके बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, जब सेलेक्ट हुआ अल्लाह ताला ने वो चीज़ें दी है, अल्लाह ताला ने वो परफॉर्मेंसेस कराई कि मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया, पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया, PSL हर जगह सेलेक्ट हो गया। तो वो फ्रैक्चर्स ठीक हो गए, वो फ्रैक्चर्स ठीक हो गए, डॉक्टर्स कह रहे थे कि दो हो ही नहीं सकते, वो तो अल्लाह को पता है 5 साल हो गए अब वो फ्रैक्चर है नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे कमर में दोबारा वो पेन नहीं हुई। फिर था कि अब जो मेरी असल चीज़ें वो मेहनत का सिला अब आ गया, तकरीबन साल बाद में वो सारी चीज़ों में दोबारा आके परफॉर्मेंस करके डोमेस्टिक में फ़र्स्ट क्लास में हर जगह में परफॉर्म करके मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया। पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया, सबसे पहले कॉल मैंने अम्मी को किया तो अम्मी तो खुशी से, वो उनको पता नहीं था पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए या जो भी हुआ, लेकिन लोग आ रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है अम्मी को कि यार बस बच्चे ने कुछ तो किया, मैं अब ये टाइम आया कि अब पे बैक। फिर उसके बाद जो तीसरा वाला इम्तहान है, मैं तो कहता हूँ उसका पूछो ही ना, वो भूलने वाला नहीं है। वो अभी तक ऐसा है कि उसी ने मुझे जैसे नहीं होता पत्थर बना दिया है कि वो दिली सकून एक इंसान का होता है ना कि वो आपका बिल्कुल टूट जाता है। देखिए दुनिया में कोई भी इंसान हो ना अगर उसके पास दिल हो तो वो, मैं जब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ मेरे साथ ये वाकया हुआ अम्मी वाला। अच्छा। तो यकीन करें वो जो 6 महीने थे ना वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, एक साल 6 महीने एक साल के मेरे साथ ये हुआ क्या है आखिर। और उसी साल के अंदर मेरे ऊपर ये भी टैग लगा हुआ था कि यार ये टेस्ट बॉलर है, और ऊपर से मेरे दिमाग वैसे नहीं चल रहे हैं क्योंकि यार आप किसी भी इंसान के पास जाते हो एक ख्वाहिश कहाँ से आके किस स्टेज पे आके कि यार अब वो टाइम आया कि अब तो पूरा होगा, एक दफ़ा तो रह गया अब पूरा होगा। लेकिन चलो मैं अल्लाह ताला से इस बात पे बहुत खुश होता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो लिखा होता है ना वो आपके साथ होता है। तो बड़ी मायूसी वाली बातें मैं करता था, पर फिर यू नो एंड ऑफ द डे यही सोचा कि यार अल्लाह ताला इतने सारी चीज़ें दी हैं तो कुछ ले कि कुछ दी है, लेकिन जो लिया वो शायद उसके बदले में कुछ भी ऐसा नहीं मिल सकता कि वो रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। तो उस स्टेज पे मेरे ऊपर ये भी टैग लगा हुआ था कि यार मैं टेस्ट का बॉलर, मैं वाइट बॉल का बॉलर नहीं हूँ, ऊपर से मैं वो फाइट कर रहा हूँ, वो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, वो कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से ये टैग लगा है कि उसके बावजूद भी परफॉर्म करना है और अच्छी परफॉर्मेंस भी देनी है, और टैग लगा कि यार ये टेस्ट बॉलर है इसको वाइट बॉल की बॉलिंग नहीं आती। ऑब्वियसली बात है कोई भी आपको नेगेटिव चीज़ें सुनते रहते हो तो आपके ऊपर ये असर करते हैं कि यार अब यू नो इससे निकलना कैसे है। तो वो फिर अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कराए, यंगेस्ट प्लेयर हैट्रिक और यू नो 5 आउट करना, फिर अल्लाह ताला ने एक अच्छा यू नो रिदम लगाया और 2 साल मुसलसल परफॉर्मेंसेस दिए, और वाइट बॉल में जो मुझे लोग वाइट बॉल का बॉलर समझते नहीं थे लेकिन मैं समझता था कि जब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैं नहीं हूँ तो आप किसी इंसान के उस पर नहीं जा सकते, आने ने कह दिया। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क की, अपने ऊपर बिलीव रखा कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं वाइट बॉल में मेहनत करके इंसान हर चीज़ बदल सकता है, ठीक है। तो मैंने वो करके तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत परफॉर्मेंसेस कराई 2 साल, फिर मेरी ये ख्वाहिश थी नंबर तीसरे इम्तहान ये थे कि यार अब वर्ल्ड कप में जाना है, मुल्क के लिए खेलना है। लेकिन पता क्या, इन सारी चीज़ों में सबसे स्ट्रॉन्ग तो मेरे उस चीज़ ने मुझे बनाया, उससे बड़ी तकलीफ मेरी लाइफ में नहीं हो सकती जो मेरे अम्मी ने, क्योंकि
उसने मुझे वही ना कि अब ये छोटे मोटे चीज़ें, हाँ बीच में फिर भी निगेटिव चीज़ें आती है, यू नो समटाइम आप बेबस हो जाते हो, हेल्पलेस हो जाते, आप कहते हैं यार पता नहीं किस तरफ जाऊँ, ठीक है। फिर भी ये होता है कि यार मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ बहुत खुशियाँ देते हैं ना, अगर एक टाइम पे आप पे बहुत टफ टाइम आता है, आजमाइश आता है, तो उसमें आपका टेस्ट होता है और उससे जो निकलता है वही बनता है प्लेयर। क्योंकि हर देखे जितने भी लोग देखते हैं, आप भी क्रिकेट देखते होंगे, तो आप जब तक हम टीवी में आते हैं अच्छा कर रहे थे देखते हैं, ऑफ द फील्ड आप किसी को नहीं देखते, ऑफ द फील्ड आपका आपकी सक्सेस आपका ग्लैमर देख रहे होते हैं, आपको आइडियलाइज कर रहे हैं। मुझे ज़्यादातर लोग क्या स्ट्रगल है दैट मैटर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, अक्सर हर बंदे के दिमाग में ये होता है, इवन कुछ लोग जेलस भी होते हैं, कुछ लोग हर तरह के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे कि यार कम उम्र में अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी है, पता नहीं किस किस तरह के ज़माने भी होते हैं, अच्छे बुरे लोग आपको पता है हर जगह होते हैं। लेकिन जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ ना, आप यकीन करें कि मैं वो बताने में मुझे डर लगता है कि यार ये यू नो हो कैसे की, और अल्लाह ताला ने इतनी आसान नहीं है जो लोग देखते हैं कि अच्छा जी फेम मिल गया, इतनी कम उम्र में फेम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, ऐसे अल्लाह ताला ने किसी इंसान को देता, किसी इंसान को अगर मैं समझता हूँ अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को कामयाब बनाता है तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होते हैं, उसके पीछे बहुत इम्तिहानात होते हैं। हर लोग कहते हैं हर कामयाब बंदे से पूछोगे वो पता नहीं क्या है, हर कामयाब बंदे से आप पूछोगे तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, वो तो दूसरी वाली बात है। तो हर कामयाब बंदे के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, ऐसे ही है, ऐसे ही राइट। तो अच्छा इस सारे प्रेशर में ऑब्वियसली इतने अप्स एंड डाउन्स, उसमें मेंटल हेल्थ इज आल्सो अ मेजर फैक्टर कि आप फिजिकली भी फिट रहना है और अपनी मेंटल हेल्थ को भी फिट रखना है। जैसे मैंने बात की कि मेंटली दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपको मोटिवेट कर सकता है ना वो आप ही हो, आपकी अपनी कन्विक्शन, आप ही हो। जितना खुद से कहोगे, मेरा मैं जैसे मैंने कहा ना, मेरा इस बात पे बिलीव होता है कि अल्लाह ताला जब आप पे आजमाइश लाते ना उसके बाद अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे दिन भी दिखाते हैं। तो अगर उसी में आपने सब्र किया और मायूसी नहीं की, क्योंकि मायूसी तो गुनाह है, और उसी में आपने कोशिश की, मेहनत की और उस स्टेज से आप निकले हो ना, फिर अल्लाह ताला आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है कि यार ये टाइम भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ज़रा रिहैब में जाते हैं कि जब आप रिहैब में थे ऑब्वियसली 6 months, तो व्हेन यू वर इन लंदन और आपकी क्रिकेट टीम वहाँ इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही थी, पहले तो बताइए कि आप क्रिकेट मैचेस देखते थे वहाँ? यार सही बताऊँ तो मैं कोशिश करता था कि मैं देखूँ, पर मैं देखता था ना जब, तो पता नहीं, जाहिर बात है एक आसानी होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि यार उसको मैं खेलना यहाँ होता पे क्यों नहीं हूँ, और वो टीवी पे जब मैच देख रहा होता है तो मेरे को एक अजीब सी वो आती थी कि यार मैं जब मैच देखता तो मैं हाथ घुमाने लग जाता था कि यार, मतलब मैं देखता था यार ये लोग हाथ कैसे घुमाते हैं यार, ये किस तरह भागते हैं आके, इनको शोल्डर में पेन नहीं होती, जिस इंसान के साथ जो चल रहा होता है ना वो इंसान को उस टाइम पर वही फील होता है कि यार ये दूसरा भी, मतलब इसको भी पेन होती होगी। तो वो मैच देखना और जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते या मुश्किल वक्त होता था उस टाइम में, सो गुस्सा आ रहा होता था कि यार मैं होता तो मैं इसको, क्योंकि आपके फैंस वैसे बहुत से फैंस हैं, वैसे मैं एक और बात, बहुत से फैंस आपके ये कहते हैं कि अगर आप होते वर्ल्ड कप में तो शायद मामला थोड़े डिफरेंट होते, शायद थोड़ी बेहतरी आ जाती। देखिए आप अपने बारे में ये कभी नहीं कह सकते, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान टीम में बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, जिसमें काम आ सकता हूँ अपनी बेस्ट कोशिश करता हूँ जितनी एबिलिटी है। रिहैब में बताएं कि जब व्हेन यू स्टार्टेड रिकवरिंग तो क्या रूटीन होती थी, कितनी एक्सरसाइज, कितनी ट्रेनिंग करनी होती थी? रिहैब एक ऐसी चीज़ होती है ना, रिहैब के बहुत सिंपल एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन आपको ना आपकी बस हो जाती है, रोज़ाना सेम रूटीन, रोज़ाना दो सेशंस होते हैं सुबह शाम, दूसरे मुल्क में होना, आपके पास अपना कोई ना होना, यार ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो एक दूसरे साइड पे ये तो आपको होती है, क्योंकि आप जितना मर्जी यू नो बड़ा स्टार बन जाओ, आपके अंदर एक बच्चा तो होता है कि यार फैमिली वाले आपके साथ होते हैं, आपके घर वाले आपके साथ होते हैं, यू नो पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, तो आप डिफरेंट फील करते हैं। लेकिन ये है कि बस मैं यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बस सब्र दी है इन सारी चीज़ों में, और रिहैब का रूटीन ये होता है कि सुबह से लेके शाम तक फिर आपने आइसिंग करनी होती है दिन में 4-5 टाइम,
और उसके अलावा आपको अपनी डाइट वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मामूली चीज़ से आपका आप पे असर पड़ सकता है, क्योंकि सर्जरी एक ऐसी चीज़ है कि आप जो भी रिहैब में कोई गलती करते हैं या कोई डाइट में या आइसिंग वगैरह नहीं करते या उसका प्रॉपर रिकवरी का ख्याल नहीं रखते तो आपको मसला हो जाता है। ज़्यादातर लोग आपने देखे होंगे जो सर्जरी होती है इनको नहीं या कुछ भी होता है वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मुश्किल स्टेज होता है। इसमें दिमाग के टेस्ट होता है आपका प्रॉपर कि यार आप अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखते हो, क्योंकि सुबह शाम रात आपने यही एक्सरसाइजेज यही रिकवरी आप बिल्कुल कट ऑफ होते हो दुनिया से कि यार यही चीज़ है मुझे वापस आने, क्योंकि क्रिकेट के अलावा हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, क्योंकि क्रिकेट के अलावा हमारे पास कोई और कोई चीज़ आती नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि यार अगर ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे। इस मुश्किल वक्त में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बंदा जो आपके साथ थ्रू आउट साथ रहा हो, आपकी कॉन्स्टेंट सपोर्ट कौन थी? यार देखिए, बिल्कुल मेरे साथ लंदन में मेरा एक दोस्त है रेस खान, उसने काफ़ी मेरा हेल्प किया, वो आता रहता था और वो घर से कभी यू नो खाना वाना लेके आता था और साथ देता था। मैनेजर था मेरा वहाँ पे मुगीज, और यू नो मतलब वहाँ पे ऐसे ज़ाहरी बात है जो दोस्त वगैरह थे वो आते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप दोस्त पे नहीं डिपेंड करते, आपको कहते हैं यार कि जो चीज़ें करनी है जो जैसे मैंने आपको पहले बताया वो तो खुद ही करनी है, तो वो मैं कोशिश करता था कि यार वो चीज़ें मैं खुद करूं, और बस यही था कि अल्लाह ताला ने उस टाइम से निकाला तो अल्लाह का शुक्र है। चेहरे पे देखे मेरा स्माइल, नो डाउट वी आर सो हैप्पी। चले मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, हमारे साथ है फेमस क्रिकेट बॉलर नसीम शाह और उनके साथ हमारा हो रहा है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नसीम, बहुत इमोशनल बातें हो गई हैं ब्रेक से पहले। थैंक यू। जो है ना, आप थोड़ी सी लाइटर बातें करते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसे फैंस जो जानना चाहते हैं आपके बारे में। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी फेवरेट विकेट कौन सी थी पहली? और फेवरेट विकेट मेरी हर विकेट होती है। अच्छा। मैं आउट करता हूँ, हर विकेट मेरी फेवरेट है। राइट। ये बताइए कि जैसे कॉलेज हम यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो सीनियर्स जूनियर्स की बड़ी रैगिंग करते हैं और प्रैंक्स वगैरह होते हैं टीम में, बताइए कि कुछ ऐसा होता है कि आपके सीनियर्स आप लोगों के जो जूनियर्स जो होते हैं उनको उनकी रैगिंग की जाती है, उनके साथ कोई प्रैंक किया जाता है, कोई ऐसा मज़ेदार सा वाक़या हो? मज़ेदार सा वाक़या इस मौके पे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक दूसरे को कभी कभी करते हैं रिस्पेक्ट के अंदर एक दूसरे को जो सीनियर आते हैं वो थोड़ी बहुत यू नो कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में मेरे ख्याल से सीनियर जूनियर का इतना वो नहीं है, तो सारे कोई नया बंदा आ जाए, लेट्स पुट इट दैट वे, कोई न्यू एडिशन होती है टीम में और जो पुराने होते हैं। यार अब मुझे ऐसा प्रैंक कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन करते हैं सम टाइम, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना भाई, मतलब कोई ना कोई शरारतें चलती रहती हैं। एग्जैक्टली याद नहीं। फनीएस्ट कोई ड्रेसिंग रूम की कोई फनीएस्ट इंसिडेंट अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? ऑफकोर्स बहुत सारे होंगे यार, फनीएस्ट ये था, मतलब अभी मुझे एक ही याद आ रहा है, वैसे तो बहुत सारे थे, कि जब मेरा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ था तो इमरान खान सीनियर जो बॉलर था हमारा वो हमारे साथ था, तो 8 आउट थे, तो उसके बाद मैंने जाना था, तो मिसबा भाई उस टाइम कोच थे मिसबा वाला, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान आपका ना डिफेंस अच्छा है तो आप जाओगे नेक्स्ट। Right. तो वो इमरान खान ने क्या किया कि उसको लगा कि यार स्टार को सेंट से लगा और पैट कमिंस लास्ट वाला जो ऐसे हुए तो वैसे भी नॉन स्ट्राइक एंड पे रह जाते हैं, आउट हो जाते हैं, अगर मैं अभी जाऊंगा तो इन्होंने मुझे मार देना है। वो जाके नीचे ना वॉशरूम में चुप गया था, जब आउट हुआ तो मैं अब उसको ढूंढ रहे कि वो किधर गया, क्योंकि टाइम लेट होना था, तो मैं अंदर चला गया, तो मैं गया, फिर उसके बाद वो आया। तो बाद में उन्होंने बाद में क्या, उन्होंने कहा मैं बस गया था तो मैंने बस आना था वापस, बट तो पता लग गया था कि चुप गया। अच्छा। तो ये फनी था, बाकी फनी होते रहते हैं, लेकिन अब ये अच्छा, बहुत कम उम्र में आपको इतना फेम मिला माशाल्लाह, ऐसे भी शोहरत भी, इसको कैसे मेंटेन रखते हैं, हाउ यू मैनेज टू स्टे ग्राउंडेड एंड हम्बल्ड? यार देखिए, असल में बचपन से जो हमारी तरबियत हुई है हमें यही है कि अब्बू अभी भी अब्बू के सामने होते हैं या कुछ भी इस तरह के होते हैं, अक्सर घर में ऐसे लोग आते हैं कि आप यू नो हर बंदे को घर के अंदर नहीं ला सकते हो, तो अभी भी अब्बू अगर इस तरह के कोई
बात आ जाती तो कहते यार क्या हो गया, अगर कोई घर के बाहर खड़ा है तो इस तरह तो नहीं होता, आप घर के अंदर हमें थोड़ा सा डर होता है यार घर में किसी की वीडियो ना बनाए या कुछ, इन मुख्तलिफ चीज़ें होती रहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अक्सर ऐसे लोग आते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार यू नो एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं जिस टाइम पे आपके साथ ना पिक्चर लेने की कोशिश करते या बिल्कुल मतलब सिचुएशन नहीं होती पिक्चर की, पर मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं छोटा था और मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था तो मैं एक प्लेयर के पास मैं भी गया था तो वो बैटिंग कर रहे हैं और मैं कह रहा मैं सर एक पिक्चर ले लूँ या भाई मैं एक पिक्चर ले लूँ, तो उस टाइम पर मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि यार वो बैटिंग कर रहे हैं आप कैसे ले सकते। अब जब मेरे पास अगर इस तरह के सिचुएशन में आते और मुझे गुस्सा आता तो मैं वो चीज़ याद करता हूँ कि यार वो अभी तो टाइम था जो मुझे पता था। आप इस जो बंदा पूछ रहे हैं उस हिसाब से आप सोचो कि यार इस बेचारे को नहीं पता कि टाइम पिक्चर लेने वाला है या नहीं है, तो वो बस तो मोहब्बत में आ रहा है। तो बस ये कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे आप आपकी बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग है और बहुत सारे आपके फैन पेजेस भी हैं, बहुत सारी एडिट्स भी बनती है, वैसे वो चेक करते हैं आप अपने फैंस? कभी कभी चेक कर लेता हूँ क्योंकि जाहिर है फैंस का प्यार है और मेरे फैंस जब भी मतलब कोई एडिट्स बनाते हैं तो मैं देखता हूँ, मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं लगा देता हूँ। अक्सर कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं बीच में कि मेरा नहीं लगाया, मुझे नहीं पता होता कि कौन है लड़का है लड़की है, जो भी मुझे अच्छा लगता है तो समटाइम जब भी मौका मिलता है देखता हूँ तो स्टोरी पर लगा देता हूँ, तो क्योंकि मेहनत की होती है कुछ ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं क्योंकि अब किस्मत की बात है जब देख लिया और अच्छा लगा तो लगा दिया। बड़े सेंसिटिव होते हैं फैंस, यानी आप अगर वो आपके फ़ैन है और कोई आपके बारे में कुछ कह दे तो पूरी की पूरी आर्मी आ जाती है। यार मेरे फैंस है ना वो मेरे तरह फकीर है, वो सबके साथ सेट है, वो चिल करते हैं, वो हर प्लेयर को पसंद करते हैं। कोई वियर्ड इनकाउंटर हुआ हो अपने फ़ैन के साथ और बड़े ऑकवर्ड सीन हो गया हो ऐसा कोई? एक जो मतलब इस तरह तो बहुत सारे होते हैं, एक जो मुझे याद है कि अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे अब्बू थे और बड़े भाई भी गाड़ी में बैठे थे, तो अब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे साथ वाली सीट पे अब्बू बैठे हैं, पीछे मेरे बड़े भाई बैठे हैं और उनके सामने अब्बू और बड़े भाई, तो हम वैसे ही सर नीचे करके गाड़ी चलते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के और बड़ों के। तो इसी में एक फ़ैन आई लड़की थी और वो मुझे कह रही आई डोंट नो कि उसने पीछे देखा नहीं था अब्बू ये वो, तो कहते कि एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू डोंट माइंड क्या हम कहीं मिल सकते हैं कॉफ़ी वगैरह? तो अब मैं शीशे में देख रहा हूँ अब्बू को और पीछे और बस ये करके मैंने ना गाड़ी फौरन निकाल दी थी यार, ये मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल अकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, मैं अब इसको बोलूँ क्या यार, तो मैं फौरन निकल गया। और किस चीज़ को देख के अगर आपका मूड ऑफ हो और उस चीज़ को देख के आपका मूड एकदम से बेहतरीन हो जाता है? और इसलिए अगर बताऊँ अगर मेरा मूड ऑफ हो, घर हूँ या कहीं भी हूँ और प्रैक्टिस करके आया हूँ बहुत थकावट की वजह से और कोई भी बंदा मुझे एक कप चाय देना उस टाइम पे, अच्छा चाय को देख के चाय को फौरन देख के मेरा मूड ठीक हो जाता है। गुस्सा आपको यूजुअली किन बातों पे आता है? गुस्सा किन बातों पे आता है? गुस्सा तब आता है जब मैं ना कहीं पे जा रहा हूँ और मुझे जल्दी हो और वहाँ पे ना ट्रैफिक हो बहुत ज़्यादा और एकदम से कोई ट्रैफिक बन जाए और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और एक ये हो कि मैंने कोई खाने का ऑर्डर दिया हो या भूख लगी हुई और खाना ना आ रहा राइट खाना ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और जब पूछ रहे हो कितना टाइम है कहते हैं 10 मिनट और वो 10 मिनट होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते गुजरते। आपकी सिस्टर्स आपका मैच देखती हैं? Are they your fans? यार मेरे सिस्टर्स उन बेचारों को तो बिल्कुल भी मैचेस की कोई समझ नहीं है क्रिकेट की, हाँ मेरे लिए दुआएं बहुत करते हैं जब मैं जीतता हूँ, लोग उनको बताते हैं कि जीत गए तो खुश होते हैं, लेकिन एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने जब हैट्रिक किया था तो मेरी बहन ने मुझे कॉल की, अब मैं जो दोनों बहनें दोनों को क्रिकेट की समझ नहीं आती, तो एक ने कुछ और बोला था, दूसरे ने बहुत फ़नी बात की कि वो बच्चा आया था कि यार इसने ना कोई मैट्रिक किया कि पता नहीं क्या, मैंने हैट्रिक तो अरे यार आपने तो मैट्रिक पहले नहीं किया था, तो मैंने कहा मैट्रिक नहीं वो हैट्रिक होता है, वो तीन खिलाड़ियों को आउट के करा अच्छा अच्छा क्रिकेट तो मतलब वो इतना उनको नहीं क्रिकेट का यू नो आइडिया। आपकी एक काफ़ी न्यूज़ भी आई थी कि नसीम शाह की इंगेजमेंट हो गई है, इस तरह की न्यूज़ तो काफ़ी आती है। एक दफ़ा मैं गाँव गया था तो दादी को किसी ने दिखाया होगा, ये सोशल मीडिया पे तो आपको पता है किसी की शादी होती है किसी के यू नो क्या होते हैं कुछ भी लगा देते हैं यूट्यूब वाले स्पेशली, तो वो मेरी दादी और घर वाले नाराज़ थे, मैंने बोला पता नहीं क्यों, अच्छा। तो बोले यार
मतलब ये आप किस तरह बदल गए हो कि आपने मंगनी की और हमें बताया नहीं उनको, उनको किसी ने ना सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह से दिखाया था, तो मैंने कहा दादी जी अगर मुझे पता होता मेरी मंगनी हो तो मैं ज़रूर बता देता, मेरी मंगनी का तो मुझे ही नहीं पता कहाँ भी हुई है। ये तो सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का दौर है। तो हाँ ऐसे यू नो चलते रहते हैं सोशल मीडिया में। आप कुछ किन चीज़ों के शौक़ हैं आपके या आपको पसंद है ख़रीदना? हाँ मुझे परफ्यूम्स का शौक़ है, लेकिन मैं नाम नहीं याद रखता, बस मुझे उस स्मेल जो भी पसंद आए मैं कहता हूँ बस ये मुझे अच्छा लगा तो ये वाला दे दो। आपकी ज़िंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? मेरे लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट जो है ना वो मेरे लिए ये है कि जब मेरे अब्बू मुझ पर प्राउड फील करते हैं। आप कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट में आया था तो आपको बड़ा कन्विंस करना पड़ा था अपने फादर को कि जैसा दे दें, शुरू में वो इतने कन्विंस नहीं थे, लेकिन अपने आपके भाइयों के लिए थोड़ा आसान हुआ होगा आपको देखकर। जब बताइए, एक तो ये बताइए कि अपने भाइयों के साथ आपका कैसा है रिलेशन? रिलेशन तो अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने स्टार्ट किया मुझे तो अलाउ नहीं था बिल्कुल, और अगर सही बताऊँ तो उबैद का मुझे अच्छी तरह याद है कि जो उबैद है उनको मेरे अब्बू ने कहा था कि एक साल ले लो, अगर कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं तो वापस पढ़ाई पे, और उसको पढ़ाई से बहुत प्यार है। अच्छा। आप समझ गए ना, बहुत प्यार है पढ़ाई से, तो उसने उस चक्कर में कि पढ़ाई ना हो तो बड़ी मेहनत की है, और वो एक साल में वो अंडर 19 या उसमें सेलेक्ट हो गया, अंडर 16 था 19 था, आई डोंट नो क्या था, तो फिर अब उन्हें कहा चलो ठीक है खेलो। अच्छा, भाइयों की कोई क्रिकेट में कोई फ़नी बात बताएं? यार भाइयों की फ़नी बात जो मुझे अभी जहन में आ रही है, क्योंकि उस टाइम ना मेरे अब्बू को अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट की समझ नहीं है, उनको आप कुछ भी बोलो वो कहते हैं ठीक है ना क्रिकेट के हवाले से। तो अब अंडर 16 के या अंडर 19 रीजन्स के आई थिंक मैचेस हो रहे थे, अब दोनों भाई मेरे छोटे खेल रहे हैं, तो जब भी अब्बू कॉल करे उनको तो कितने आउट किए, तो बोले कि आज तो आउट नहीं किए, बोले क्यों भाई स्पिनर्स के पिच है। अब्बू कह रहे कि एक दफ़ा मैच हुआ कॉल किया, दूसरे को बोला, दूसरा भी बोले स्पिनर का पिच है, फिर अगले मैच में भी किया तब भी बोल रहे कि स्पिनर के पिच है। अच्छा। तो ना अब्बू तो परेशान हो गए कि यार ये क्या चक्कर है, हो सकता है ये फास्ट बॉलर क्योंकि अलग पिच है, तो मुझे कॉल आई अब्बू की कि यार बेटा ज़रा ये बताओ कि इनसे पूछो इनके लिए पिच कब बनाएंगे ये फास्ट बॉलर। तो अब्बू को लग रहा था कि इनके लिए अलग पिच बनाएंगे। मैं बहुत ऐसा, मैंने इनको कॉल किया, मैं अच्छा तो आप लोग ये बात कर रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो कि आज स्पिनर का पिच था, ये फनी बात है। कोई ऐसा बॉलर, इंटरनेशनल बॉलर जो आप समझते हैं कि उसको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होना चाहिए था? हेज़लवुड, मैं पता नहीं नाम भी उसका मुझे सही नहीं आता, लेकिन हेज़लवुड व्हाट अ बॉलर, मतलब अच्छा। क्या बॉलर है आजकल, जिस तरह उसकी लाइन लेंथ कंसिस्टेंटली सबर, ऐसा लगता है मशीन बॉलिंग कर रहा है। और आपकी प्लेलिस्ट में सबसे द मोस्ट प्लेड सॉन्ग कौन सा है? मैं हमेशा गाड़ी में सॉन्ग मतलब प्लेलिस्ट में चलते रहते जो भी सामने आया, पर एक सॉन्ग है जो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ वो मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है, और इस तरह का एक सॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, तो मैं ज़्यादातर वो सुनता हूँ। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट कर लूँ मैं आपसे, अगर आप हमें एक दो लाइंस में गुनगुना दें कोई भी गाना। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। आई थिंक आपके फैंस बहुत खुश होंगे कि इस दफा तो भी हमने ट्रीट ली कर दे मेरी आवाज़। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी आवाज थी। खैर, आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, हम मौजूद हैं यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के ट्रेनिंग कैंप में, एंड नसीम कर रहे हैं ट्रेनिंग। नसीम, ये बताइए PSL में आप इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे या कुछ सिलेक्टिव मैचेस खेलेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो फिटनेस अच्छी जा रही है, और कोशिश तो करूँगा कि पूरा टूर्नामेंट खेलूँ, अगर फिट हो सिचुएशन को देखेंगे, और आई थिंक अगर आप फिट हो तो आप खेल सकते हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर्स से आपने 5 साल खेला, why you left Quetta Gladiators and why you chose Islamabad United this time? देखिए लेफ्ट नहीं होता, उसको आप ये कह सकते हो कि लाइफ में हमेशा चीज़ें सेम नहीं रहती कि आपने बस यू नो सारी ज़िंदगी वहाँ रहना है जहाँ पे आप हो, चीज़ें चेंज होती रहती है लाइफ में, जैसे एज चेंज होता रहता है, जैसे शक्ल चेंज होती रहती है, इसी तरह यू नो हर चीज़ चेंज होता रहता है, और नया नया फ्रेंचाइज है, नया एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे भी खेल के मुझे अच्छा लगा, और यहाँ पे भी इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस होगा।
IPSL में किसकी विकेट लेने की ख्वाहिश है? कोई खास एक नहीं है, बस आप एक नाम मेंशन करें, आप ज्यादा मेंशन कर लें। ज्यादा फिर यही है, देखिए आपकी कोशिश होती है कि आप तो मैक्सिमम आउट करें जितने आप कर सकते हो एक मैच में, टीम को जितवा सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ 6 साल हो गए हैं चैंपियन बने हुए, और आप चाहेंगे कि क्वेटा ग्लेडिएटर की तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इस दफ़ा चैंपियन बनाएं? देखिए बिल्कुल हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी टीम को जितवाएं, वो कोई भी मैच हो, तो कोशिश कर सकते हैं हम, अपना फुल एफर्ट कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, जान लगा सकते हैं, बाकी जो नसीब में वही होगा। अभी मैं आपकी ट्रेनिंग भी देख रही थी, यू वर डूइंग बैटिंग, सो इस दफ़ा हम आपकी मज़ीद बैटिंग भी देखेंगे। बैटिंग देखे, मेन चीज़ तो मेरी बॉलिंग है, बैटिंग करता रहता हूँ, साथ प्रैक्टिस चलती रहती है, क्योंकि लास्ट में मतलब PSL में भी छक्के देखेंगे, अभी भी मैं देख रही थी बड़े 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 छक्के आप मार रहे थे। नहीं देखे बिल्कुल बैटिंग की प्रैक्टिस तो हो रही है, जब भी ज़रूरत होगी तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर मेरे साथ सेट बैट्समैन खड़ा है तो मैं उसका साथ दूँ, क्योंकि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि जो टेलेंडर्स होते हैं ना उनकी बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो दूसरी टीम को गिराते हैं, क्योंकि अगर आपने लास्ट में 40-50 रन का पार्टनरशिप लगा दिया तो वो पार्टनरशिप दूसरी टीम को सही तरह जो है ना तोड़ देते हैं। कोहली, स्मिथ, विलियमसन और रूट को फैबुलस फोर कहते हैं, बाबर आजम को भी इसमें ऐड होना चाहिए, डोंट यू थिंक? देखिए बिल्कुल वो फाइव, वो पाँचों जो है ना बेस्ट बैट्समैन है दुनिया के, उन्होंने रन बनाए हैं और ग्राउंड में दिखाया है, तो इसलिए उनको कहा जाता है। अगर दुनिया उनको मानते तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत कुछ किया और वो वाकई में वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। मैंने तो पांचों को बॉलिंग की है, तो आई थिंक पांचों जो है ना वो टॉप क्लास के बैट्समैन। और इनमें से फेवरेट आपका कौन सा, अगर मैं कहूँ कि एक चूज करें फैबुलस फोर में, तो इसीलिए ये फाइव बनाए हैं, क्योंकि इनमें से आप है ना, अभी हम तो कह रहे हैं कि फैबुलस फाइव होना चाहिए। नहीं फाइव कर लो, फाइव भी होनी चाहिए और फाइव ही है सारे। देखो बेस्ट डिफरेंट क्लास है हर प्लेयर की, बाबर आजम की डिफरेंट क्लास है, विराट कोहली की डिफरेंट क्लास है, विलियमसन की डिफरेंट क्लास है, अब डिफरेंट फॉर्मेट में वो यू नो टॉप क्लास के वो प्लेयर है हर फॉर्मेट के, तो आई थिंक इसमें से एक चूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आई थिंक पांचों बेस्ट। आपको वैसे टेस्ट, वन डे या T20, इनमें से कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा पसंद है? देखिए अगर आप हार्डवर्क के लिहाज से देखें और बाद में जिस जो इंसान को खुशी होती है एज अ फास्ट बॉलर, आप जब टेस्ट के अपने विकेट्स देखते हो तो वो आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कितनी मुश्किल से मैंने आउट की और आपको आउट करना पड़ता है। बैट्समैन T20 में गलती से आउट होता है और वो मार के बाउंड्री पे आउट हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई बाउंड्री पे आउट हुआ है, वो आपको मेहनत करके आउट करना पड़ता है, एक जगह से अच्छी बॉलिंग करा के आपको वो प्रॉपर आपका टेस्ट होता है, फिटनेस का, मेंटली हर चीज़ का टेस्ट होता है। और इन्जॉय के लिए आज से देखो, एंटरटेनमेंट कम जो लोग भी पसंद करते हैं शॉर्ट है, तो वो T20 क्रिकेट टीम में बहुत सारे, अब तो पश्तो स्पीकिंग हमारे पश्तून आ गए हैं, सो आपने बाबर आजम को कोई पश्तो सिखाई है या उनसे आपने पंजाबी सीख ली है? देखें पंजाबी तो मैं उनके साथ कभी कभी बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाबर भाई को पश्तो में पता नहीं किसी ने उनको बड़े अजीब किस्म के पश्तो सिखाई है। अच्छा। हम अक्सर हमें जब वो पश्तो में कुछ बोलते हैं हम उनको कहते हैं कि बस ये याद रख रहे तो सही है, आगे नहीं बोलना, पता नहीं किसने उनको यू नो पश्तो सिखाई, थोड़ी बहुत उनको आती है पश्तो, बोल लेते हैं, रिजवान भाई के साथ काफ़ी रहे हैं तो पश्तो आते। आपके भाई माशाल्लाह से उबैद शाह वो U19 में खेल रहे हैं, ही परफॉर्म सो वेल, सो आप उनको टिप्स वगैरह देते हैं क्रिकेट में? अभी वो लगा हुआ है, क्योंकि जितना वो मुझसे पूछता है उतना तो मैं बता देता हूँ, लेकिन क्रिकेट के अलावा मैं हमेशा उनसे दूसरी बातें करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि क्रिकेट वो टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, अभी आप वो चीज़ें नहीं बता सकते जो आपने की होती, हाँ आप ऐसी चीज़ें बता सकते हो जिसके वजह से यू नो जो फास्ट बॉलिंग में जैसे आप रिकवरी वगैरह ले लो, या मतलब इस तरह की चीज़ें जो क्रिकेट से थोड़े से हटकर है, मतलब ग्राउंड से हटकर है, तो वो चीज़ें मैं ज़्यादातर बताता हूँ, बाकी वो आप एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखेगा। नसीम शाह की कितनी सपोर्ट रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुनैन शाह और उबैद शाह को आने में, या वो अपने बलबूते पे अपने टैलेंट पर आए हैं?
देखिए ये सवाल अक्सर लोग करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। इट्स नेचुरल, सब रिलेट करते हैं कि एक भाई खेल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल से चांस मिलता है। नहीं देखिए मैं ये बात करता हूँ कि एक तो या आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच से पूछेंगे या वहाँ के कप्तान से पूछेंगे कि उन्होंने क्यों लिए, किस माइंडसेट के साथ लिए हैं, क्या उनकी सोच थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार वो परफॉर्मेंस करते भी है तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए, और वो नहीं भी करते तब भी मेरा नाम नहीं लेना चाहिए कि नसीम जा के भाई ने नहीं किया। भाई उनकी अपनी मेहनत है और अपनी अपना उनका कैरियर है, वो मेहनत करेंगे तो आगे चलते रहेंगे, नहीं करेंगे तो उधर रहेंगे, और से मेरा भी ऐसा ही है। क्रिकेट में आने के बाद आपको बहुत फेम एंड माशाल्लाह से पैसा मिला, तो इस करियर का इख्तिताम कैसे करना चाहेंगे? क्रिकेट का इख्तिताम ऐसे कि यार अपने मुल्क को अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंसेस दूँ, मैचेस जितवाऊँ और बाद में लोग एक अच्छे नाम से याद करें, क्योंकि मेरा कोई इंडिविजुअल ऐसे टारगेट नहीं है कि मतलब अभी सोचा नहीं है कि इतने उठ करने या नहीं करनी। मेरा ये बिलीव है कि आप जब भी पाकिस्तान को मैच जितवाते हो अल्लाह ताला आपको इज्जत देते हैं, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, जहाँ पे कर सकता हूँ वो कोशिश करता हूँ, बाकी विकेट्स और ये सारी चीज़ें खुद ही मिल जाते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 500 आउट करूँ तो ऐसे भी दुनिया में बॉलर्स रहे जिन्होंने बड़े आउट किए लेकिन उस तरह के नाम नहीं होते। असल में जो आजकल दुनिया देखते वो मैच विनर्स को ज़्यादातर जो है ना मानते हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने आप को इतना बेहतर करूँ कि मैं मैच विनर बन सकूँ। बिल्कुल सही नसीम, गुड लक। आपका कमबैक हुआ रिहैब के बाद, इंजरी के बाद, आई होप कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट देखेंगे PSL में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।